नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में साधु संतों और बीजेपी नेताओं ने निकाली आक्रोश रैली। राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद 5 दिन बाद हिंदू संगठनों और साधु संतों ने बुधवार को कंपनी बाग के शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली की अगुवाई कर रहे अलवर सांसद बालकनाथ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की मांग की। साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी रैली में शामिल हुए। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि ये मामला शांत नहीं होगा। गहलोत सरकार ने देवी देवताओं का उसी तरह अपमान किया है जैसे 250 साल पहले मुगलों ने सनातन धर्म का अपमान किया था। हिंदू समाज उसे भी नहीं भूला है और गहलोत सरकार के इस काम को भी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने मंदिर तोड़ा है उन पर सख्त कार्यवाही की जाए और दोबारा मंदिर बनाया जाए। अलवर सांसद बालकनाथ के साथ शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के दिलीप मोदी, जिला अध्यक्ष गौरक्षक रामदयाल सिंह, साधु संतों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जीबीएन न्यूज के लिए अलवर राजस्थान से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। जो जिन लोगों ने राजगढ़ के मंदिर के जो हमारे पौराणिक ऐतिहासिक हमारे देव देवताओं के मंदिरों का खंडन किया है, उनको खंडित किया है, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण हो और जिन लोगों की भूमिका उसमें रही है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटना राजस्थान के साथ किसी भी राजस्थान के कोने में ऐसी घटना घटित ना हो, सरकार उसके लिए बाध्य रूप से अपनी स्वेच्छा भाव से सरकार उसको एक भाव से पूरे राजस्थान की जनता का कल्याण के भाव से काम करे। सरकार जो आरोपित मिले हैं उनमें तीनों आरोपियों को सस्पेंड किया जा चुका है। देखो, सरकार ने जानबूझकर इस विषय से भटकाने के लिए राजगढ़ नगर पालिका का नाम लिया। एक मुहावरा हम बचपन से सुनते आए हैं और आप सब भी जानते हैं कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। वहाँ जहाँ जहाँ भी राजस्थान सरकार में, राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड है वहाँ वहाँ इसी प्रकार से राजस्थान सरकार व्यवहार करती है, अपनी रीति नीति को लागू करती है और नाम बोर्ड का लगाती है, चेयरमैन का लगाती है। लेकिन आज सब जानते हैं कि चेयरमैन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर उसकी भूमिका प्रशासन में कोई भी उसके शहर के अंदर सफाई व्यवस्था या अन्य विकास कार्य नहीं होते हैं, केवल उसके कंधे के ऊपर बंदूक लगा चलाने का काम सरकार कर रही है। सरकार ने जो मंदिर टूटा है उसके लिए पुनर्निर्माण की बात कर दी है, करना उसी मांग के लिए तो हम आए हैं। दबाव के रूप में सरकार ने काम किया है, अधिकारी को निलंबित भी किया है, लेकिन उचित जांच हो, जांच और जांच के अंदर सरकार के अधिकारी तो दोषी हैं है, लेकिन सरकार के तख्ते पर बैठे सरकार के नुमाइंदे भी जो कांग्रेस के सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी दोषी, क्योंकि उनके इशारे के बगैर ये मंदिर नहीं टूट सकते। विधायक के ऊपर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। बिल्कुल, मैं यही कहता हूं ना, सरकार के नुमाइंदे ही इसके मुख्य आरोपी हैं। करौली की घटना के भी सरकार के नुमाइंदे ही मुख्य आरोपी, जो राजनीतिक पदों पर सरकार के लाभ के पदों पर बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो, ये सभी कांग्रेसी लोग ही इसके मुख्य दायित्व है, ना कि अधिकारी इसके मुख्य आरोपी है। ठीक है। आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू समाज की तरफ से, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? आज ये विरोध प्रदर्शन हमारे सभी संत समुदाय के द्वारा, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा, सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजगढ़ में 300 साल पुराने हमारे पौराणिक मंदिर, जिनके जो हमारे हिंदू आस्था का केंद्र थे, उनको बिल्कुल निर्ममता से तोड़ दिया गया, भगवान की मूर्तियों को ड्रिल मशीन से सुराख करके नालों में फेंक दिया गया। इसी के आक्रोश में आज हमें सारा जनसमाज पूरा इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि या तो उनके जरिए कांग्रेस सरकार सुधर जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य जो भी सामाजिक धार्मिक संगठन, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इतना बड़ा विरोध करेंगे। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते हमने बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली है, उसी से इन लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए। और आज छोटे से आधे घंटे के हमारे कल के जरा से निमंत्रण पर इतना समाज इकट्ठा हुआ है, तो ये लोग पैसे दे के नहीं आए, इनके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भावना है हिंदुत्व के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, उसी आस्था के मध्य आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। आपका शुभ नाम? दिलीप मोदी, जिला अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद अलवर।